राजस्थान के सीएम मदनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन मौजूद रहा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। सभी ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही कैबिनेट ने अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। बता दें कि इस धर्मशाला में 300 कमरे होंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि रामलला का इतना भव्य मंदिर बना है। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री और लगभग अन्य सभी की अयोध्या के लिए ये पहली यात्रा है। सभी वरिष्ठ नेता ने यहाँ पहली बार भगवान राम के दर्शन पूजन कर देश विदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव सुधांशु और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और शिक्षा मंत्री दिलावर नजर आए। वहीं अयोध्या जाने वाले बीजेपी विधायकों में गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य, बाबू सिंह राठौर, दीप्ति महेश्वरी और जोगाराम पटेल हैं, जबकि दो निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी और चंद्रभान सिंह आक्या भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ अयोध्या में रामलला के दरबार पहुंचे। मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है।